साल की तरह इस साल भी 24 मार्च 2021 को वर्ल्ड टीबी डे मनाने जा रहे हैं। ये टीबी डे हर साल मनाया जाता है। वैसे तो जो टीबी की जो बीमारी है, टीबी का जो रोग है, ये बहुत पुराना रोग है और ये रोग, इस रोग का समापन, इस रोग की समाप्ति अभी तक हम नहीं कर पाए। टीबी जो है वो एक इन्फेक्शन डिजीज है, एक से दूसरे को लगने वाला रोग है और बेसिकली ये रोग इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है। जिस व्यक्ति में इम्यूनिटी कम हो जाती है उस व्यक्ति में ये टीबी रोग जल्दी हो जाता है। इसीलिए टीबी रोग से बचाव के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी, हमें अपनी प्रतिकार शक्ति को मजबूत बनाना अत्यावश्यक है। टीबी के कारण हमारे देश में लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसी तरीके से लाखों लोग हमारे इस देश में टीबी से प्रभावित हैं और ये एक दूसरे को जल्दी से लगने वाला रोग है। टीबी के कई प्रकार होते हैं। बेसिकली टीबी हमारे फेफड़ों को या लंग्स को अफेक्ट करता है। इसके अलावा, लंग्स के अलावा बाकी दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, जैसे हड्डी, बोन्स, लिफ नोड्स, गेस्टोइंटेस्टिनल ट्रैक, पेट। टीबी ने किसी भी ऑर्गन को छोड़ा नहीं, लेकिन बाकी जो फेफड़ों के अलावा जो टीबी होती है वो दूसरे को लगती नहीं है, दूसरे को उसका इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो फेफड़े की जो टीबी है, पल्मोनरी टीबी जिसे हम कहते हैं, जो बेसिकली लंग्स को अफेक्ट करती है, उससे दूसरे लोगों को टीबी का रोग जल्दी हो जाता है। और ये टीबी का रोग लोग जब खांसी करते हैं उसमें जो स्पुटम निकलता है उसके द्वारा इसके जो बेसिलाए हैं वो निकलते हैं और लोगों के शरीर में जाकर, सांस के जरिए शरीर में जाकर वो उसके बॉडी को इफेक्ट करते हैं। अगर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो वो उसको टीबी का रोग होने की शक्यता होती है। लेकिन शर्त यह है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है। अगर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको टीबी का रोग नहीं होगा, और अगर उसकी इम्यूनिटी, जिसको हम प्रतिकार शक्ति कहते हैं, अगर बराबर नहीं होगी तो उसको टीबी का रोग हो सकता है। टीबी के रोग से बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित होती हैं, मृत्यु तो होता ही होता है, उसके अलावा हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन भी इसकी वजह से ख़राब होती है, क्योंकि टीबी एक लॉन्ग टर्म का एक डिजीज़ है, जिसके कारण एक हो जाने के बाद में उसकी काम करने की शक्ति पर्सन की, उस व्यक्ति की कम हो जाती है। उसके कारण हमारे देश की इकोनॉमी भी इससे प्रभावित होती है और इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि इस रोग की हम समाप्ति करें, इस रोग का उच्चाटन करें। WHO ने इस रोग को कंट्रोल में लाने के लिए 2030 तक का एक काल दिया है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने इसे 2025 तक सीमित कर दिया। 2025 तक हमें इस रोग का इन्फेक्शन कम कर देना है, 80% इन्फेक्शन कम कर देना है। उसी तरीके से हमारा दूसरा टारगेट ये है कि इससे होने वाली जो मौतें हैं, जो मृत्यु है, वो 90% तक हमें कम कर देना है। तो इसको, ये टारगेट अचीव करने के लिए हमें, हम सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। इंडिविजुअल व्यक्ति को भी प्रयत्न करना चाहिए, समाज को भी प्रयत्न करना चाहिए, शासन प्रयत्न कर रही है। तो जब सब मिलकर एक साथ यूनाइटेडली प्रयत्न करेंगे तो हम इस टीबी पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत ये ज़रूरी है कि इस रोग का डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके लिए हमें नज़दीक के डॉट सेंटर पर जाना पड़ेगा, व्यक्ति को जाना पड़ेगा, व्यक्ति को इनकरेज करना पड़ेगा ताकि उसका डायग्नोसिस तुरंत हो जाए। और अगर उसका डायग्नोसिस तुरंत हो जाता है तो उसको ट्रीटमेंट के अंदर में तुरंत लाया जा सकता है। इस तरीके से हम इस टीबी को की मौतें भी कम कर सकते हैं, उसका इन्फेक्शन रेट भी कम कर सकते हैं और उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और टीबी को डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हमारे पूरे देश में इसका जाल बिछा हुआ है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इसके डायग्नोसिस के सेंटर्स और ट्रीटमेंट के सेंटर्स
हमारे शासन ने बनाए हैं, इसको डॉट सेंटर भी कहा जाता है नीचे लेवल पे, और हर जगह इसके लिए हमारे पास में सुविधा फैसिलिटीज उपलब्ध है। शर्त यह है कि इस फैसिलिटीज का हम फायदा उठाएं और इस रोग को जल्दी से जल्दी उठाएं और समाप्त करने में हम सब प्रयत्न करें।